वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो कि आ रही है इंडियन बैंक्स की तरफ से। जी हां, इंडियन बैंक्स ने फैसला किया है कि वो 2000 के नोटों को अपलोड करना एटीएम्स में बंद कर देंगे। जी हां, ये खबर के मुताबिक 1 मार्च 2020, जी हां, पहली मार्च 2020 से ये कानून लागू हो जाएगा। एटीएम्स में 2000 के नोट मिलना बंद हो जाएंगे। 2000 के नोटों के बजाय 200 के नोट मिलेंगे। खबर के मुताबिक जो लोग 2000 के नोट एटीएम से निकालते थे उनको खुदरा कराने के लिए बैंकों में लाइन में लगना पड़ता था। इस वजह से इंडियन बैंक्स ने फैसला किया है कि वो 2000 के नोटों को 1 मार्च 2020 से अपलोड करना बंद कर देंगे, बजाय उसके 200 के नोट अपलोड करेंगे। आगे खबर में बात करेंगे सोनभद्रा में मिले सोने के बारे में। जी हां, पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि यूपी के सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट से 3000 टन का, जिसकी कीमत 12 लाख करोड़ बताई जा रही थी, उतना सोना पाया गया। लेकिन ऑल्ट न्यूज के मुताबिक यह खबर झूठी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर का प्रचार किया गया था, बड़े बड़े न्यूज चैनल से लेकर के बड़े बड़े मंत्रियों ने भी बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि यूपी में सोना पाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 160 किलो का सोना पाया गया है। लेकिन बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने इस खबर को ऐसे प्रचार किया कि जैसे मानो वहां 3000 मतलब 12 लाख करोड़ का सोना पाया गया है। इससे इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े मंत्रियों ने इस चीज का दावा करा था। लेकिन ऑल्ट न्यूज के मुताबिक ये खबर झूठी साबित होती है। आगे खबर में बात करेंगे बिहार से आ रही है एनआरसी पर एक बहुत बड़ी खबर। नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा बयान आया है, जिस बयान के मुताबिक उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है कि एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर भी वैसे ही किया जाएगा जैसे पिछली बार 2010 में हुआ था। जी हां, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं बिहार में। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कुछ आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। वहीं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का इतना बड़ा फैसला एनआरसी लागू ना करने का और एनपीआर में भी बदलाव करने का सरकार को परेशान कर सकता है। और भी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना